हेलो एवरीबॉडी, हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलर्जिक फूड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, कौन कौन सा फूड है आपको खाने से आपको एलर्जी हो सकता है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस फूड्स कौन कौन चीज फूड है एलर्जिक फूड्स आपको एलर्जी हो सकता है ना। सम फूड्स के बारे में मैं डिस्कस करेंगे, कुछ मैं फूड्स का नाम लूंगा, वो खाते खाने से इंसान को एलर्जी हो जाता है ना, इंसान को इंसान को एलर्जी हो जाता है। जैसे जैसे कि आपको एक नंबर में आता आपको मिल्क, जो हम लोग घर में अधिकतर खाते हैं, क्या है मिल्क, मिल्क। नंबर दो में आपको आता है एग्स, एग्स एक क्या है एलर्जिक फूड है, हैं एलर्जिक फूड्स है। तीन नंबर में आता है आपको फिश, फिश ज्यादा सेल्फिश मीन्स आपका प्रॉन्स, उसके बाद ये भी होता है क्रैब्स, क्रैब्स भी होता है, क्रैब्स भी जो होता है ज्यादा क्रॉप्स भी होता है। उसके बाद चार नंबर में सैलरी, सैलरी जो लीव्स है, लिप से भी आपको एलर्जिक हो सकता है। उसके बाद आपको पांच नंबर में चीज, चीज चीज से भी आपको एलर्जी हो सकता है। देखिए कितना फूड है, कितना फूड है। उसके बाद आपको इसे ब्रेड, ब्रेड्स या तो जैम, जैम्स जैम्स भी आपको एलर्जिक फूड हो सकते हैं। देखिए सो मेनी फूड्स, जो जितना भी फूड्स से आपको एलर्जी हो सकता है। उसको बता आपको देखिए कुछ स्पिनच, स्पिनच स्पिनच लिप्स, स्पिनच लिप्स भी आपको एलर्जी हो सकता है ना। पत जैसे पुई शाक बोलता है, उसके बाद जो पानी में रहता है, पानी में मतलब जो पानी है क्या बोलता है, कलमी साग, कलमी साग भी बोलता है। सब जगह साउथ इंडिया में सब जगह नहीं मिलता है, बट कोलकाता में बहुत मिलता है, साउथ इंडियन साइड में भी बहुत मिलता है साग। उसके बाद देखिए सेवन नंबर में आपको एग प्लांट्स, जिसको हम ब्रिंजाल बोलते हैं, ब्रिंजाल, ब्रिंजाल याद है एग प्लांट, एग्स प्लांट्स कितना वो है देखिए। फिर आपको जूस में भी कुछ ऑरेंज जूस है, कुछ मैंगो जूस है, कुछ पाइनएप्पल जूस है ना, कोई मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट है, वो सब जूस में भी क्या आपके आपको फूड वो पीने से आपको बॉडी में एलर्जी हो सकता है, एलर्जी हो सकता है ना। बटर है, बटर भी देखिए, बटर भी है, बटर, बटर से भी खाने से भी आपको एलर्जी हो सकता है। देखिए कितना फूड से आपको खाने से क्या, खाने से आपको आपको एलर्जी होने सकता, एलर्जी हो सकता है। लो रिस्क फूड है, लो रिस्क फूड्स भी आपको जितना बकेट बिन से ना, देखिए
आपका जो बकेट बिन्स है, बकेट बिन्स है, देखिए बकेट बिन्स लोरिक्स फुट, लोरिक्स फुट्स भी आपको एलर्जी होने का चांसेस रहता है। सो मैंने आपको देखिए कितना वो फूड्स है, फूड्स से आपको ये सब खाने से क्या है आपको एलर्जिक्स हो सकते हैं। दिस इज द आपको फूड सेफ्टी है, एलर्जिक्स फूड्स है, एलर्जिक्स फूड्स है, एलर्जिक्स फूड देखिए कितना कितना फूड्स है आपको, है ना, बकेट बिन्स है, देखिए सो मैनी द फ्रूट्स है आपको खाने से क्या है एलर्जी होने का चांसेस रहता है, आपको एलर्जी होने का चांसेस रहता है। यही है एलर्जिक फूड्स एंड दिस इज द आपको सावधान से खाइए, है ना, जो कि आपको बॉडी को हानिकारक ना हो, ठीक है, आपको बॉडी को हानिकारक ना हो, दिस द फूड सेफ्टी। This is the food, all is the food safety. आपका food safety. आपको को choice करके चुन कर आपको खाना चाहिए। Thank you so much. Next minute फिर मुलाकात।